हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीटेक या बीएससी या कोई भी ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद सबका दिमाग में यह ख्याल आता है कि कैट के लिए प्रिपरेशन करें, मतलब एमबीए में जाए, और एमबीए में जाने के लिए सबसे अच्छा एग्ज़ाम कैट ही है। ठीक है, तो अब इस कैट में अच्छा अच्छा बी स्कूल पाने के लिए, जैसे कि आईआईएम कोलकाता, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम लखनऊ, इस टाइप का जो ब्रांडेड, मतलब आईआईएम में तो सभी ब्रांडेड है, मगर आईआईएम पाने के लिए जो मार्क्स सबको चाहिए वो है 99 परसेंटाइल। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कि परसेंटाइल क्या है और परसेंटेज क्या है, मतलब बहुत स्टूडेंट को पता नहीं चलता है। बहुत स्टूडेंट ये भी है कि उसको नॉलेज है परसेंटाइल और परसेंटेज में, मगर बहुत स्टूडेंट ऐसा भी है जिसको परसेंटाइल और परसेंटेज में मतलब क्या डिफरेंस है वो पता नहीं है। तो परसेंटाइल 99 परसेंटाइल मतलब आपका 99% नहीं होता है, 99 परसेंटाइल मतलब आपका, अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 60-65 के करीब आ जाता है। मतलब आपको 200 नंबर का पेपर में आप अगर 125 तक लाओगे तो आपका 99 परसेंटाइल चला आएगा, मतलब आप आईआईएम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपका 200 नंबर का पेपर में अगर आपका 120 आया, मतलब 125 नहीं 120 आया, तो आप यकीन मानो कि आपका परसेंटाइल 90 परसेंटाइल आएगा। तो क्लियर, परसेंटाइल मतलब अगर उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 99 परसेंटाइल मतलब अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 65 परसेंटेज हो जाता है, और 90 परसेंटाइल मतलब अगर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 60% हो जाता है। मतलब आप अगर 200 में 125 मार्क्स लाते हो तो आपका 99 परसेंटाइल आ गया, मतलब आप आईआईएम क्रैक कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने के लिए ये वीडियो था, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत स्टूडेंट को ये पता है, मगर जिन लोगों को ये पता नहीं है उनसे ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बाय।